अध्याय 5, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रिफिक्सेस और सफिक्सेस। शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योगरूण अर्थ की दृष्टि से रूण होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योगरूण समान होते हैं। रूण के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग से अति और उपसर्ग, तस अंत से मूल शब्द और धातु, बराबर अत्यंत से यौगिक शब्द। प्रत्यय से लेन से मूल शब्द प्लस द्वार से प्रत्यय, बराबर लेनदार से यौगिक शब्द। समास से प्रति से शब्द प्लस दिन से शब्द, बराबर प्रतिदिन से यौगिक शब्द। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे स्व से उपसर्ग धन, तंत्र से मूल शब्द प्लस त से प्रत्यय, बराबर स्वतंत्रता। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझ मूल शब्द प्लस द्वार प्रत्यय प्लस ई प्रत्यय, बराबर समझदारी। उपसर्ग प्रिफिक्सेस। उपसर्ग बराबर उप यानी समीप, धन सर्ग यानी सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार यानी प्रधनहार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आश जोड़ने से आहार यानी भोजन, सम जोड़ने से संहार यानी विनाश, तथा वी जोड़ने से विहार यानी घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपरोक्त उदाहरण में प्र आ सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जोड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक संस्कृत के उपसर्ग, दो हिंदी के उपसर्ग, तीन उर्दू और फारसी के उपसर्ग, चार अंग्रेजी के उपसर्ग, पांच उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। एक संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले क्रम, उपसर्ग, अर्थ और फिर शब्द। एक उपसर्ग अति, अर्थ अधिक, शब्द अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। दो अधि, अर्थ ऊपर या श्रेष्ठ, शब्द अधिकार, अधिपति, अधिनायक। तीन उपसर्ग अनु, अर्थ पीछे, सामान, शब्द अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। चार उपसर्ग अप, अर्थ बुरा या हीन, शब्द अपयश, अपमान और अपकार। पांच उपसर्ग अभी, अर्थ सामने, चारों ओर और पास, शब्द अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। छह उपसर्ग अव, अर्थ हीन और नीच, शब्द अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। सात उपसर्ग आ, अर्थ तक, समेत, शब्द आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। आठ उत, अर्थ ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, शब्द उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। नौ उपसर्ग उप, अर्थ निकट, सदृश और गौड़, शब्द उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दस दुर, अर्थ बुरा, कठिन, शब्द दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। ग्यारह दुस, अर्थ बुरा और कठिन, शब्द दुश्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। बारह
निर, अर्थ बिना, बाहर, निषेध। शब्द निरापराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। पृष्ठ 47। 13 उपसर्ग निस, अर्थ रहित, पूरा, विपरीत। शब्द निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। 14 उपसर्ग नी, अर्थ निषेध, अधिकता, नीचे। शब्द निवारण, निपात, नियोग, निषेध। 15 उपसर्ग परा, अर्थ उल्टा और पीछे। शब्द पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। 16 परी, अर्थ आसपास, चारों तरफ। शब्द परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। 17 उपसर्ग प्र, अर्थ अधिक और आगे। शब्द प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। 18 उपसर्ग प्रति, अर्थ उल्टा, सामने, हरेक। शब्द प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। 19 उपसर्ग वी, अर्थ भिन्न, विशेष। शब्द विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। क्रम 20 उपसर्ग सम, अर्थ उत्तम, सात, पूर्ण। शब्द संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। क्रम 21 उपसर्ग सु, अर्थ अच्छा और अधिक। शब्द सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। 2 हिंदी के उपसर्ग। क्रम 1 उपसर्ग अ, अर्थ अभाव, निषेध। शब्द अछूता, अथा, अटल। क्रम 2 उपसर्ग अन, अर्थ अभाव, निषेध। शब्द अनमोल, अनबन, अनपढ़। क्रम 3 उपसर्ग कु, अर्थ बुरा। शब्द कुचाल, कुचेला, कुचक्र। क्रम 4 उपसर्ग दु, अर्थ कम, बुरा। शब्द दुबला, दुलारा, दुधारू। क्रम 5 उपसर्ग नी, अर्थ कमी। शब्द निगोड़ा, निडर, निहत्ता, निकम्मा। 6 उपसर्ग ओ, अर्थहीन और निषेध। शब्द औगुण, औधर, औसर, औसान। क्रम 7 उपसर्ग भर, अर्थ पूरा। शब्द भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। क्रम 8 उपसर्ग सु, अर्थ अच्छा। शब्द सुडोल, सुजान, सुघर, सुफल। क्रम 9 उपसर्ग अध, अर्थ आधा। शब्द अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। 10 उपसर्ग उन, अर्थ एक, कम। शब्द 29, 39, 59, 69। 11 उपसर्ग पर, अर्थ दूसरा, बाद का। शब्द परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। 12 उपसर्ग बिन, अर्थ बिना, निषेध। शब्द बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। 3 अरबी फारसी के उपसर्ग। 1 उपसर्ग कम, अर्थ थोड़ा, हीन। शब्द कमजोर, कमबख्त, कमअकल। 2 उपसर्ग खुश, अर्थ अच्छा। शब्द खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। 3 गैर, अर्थ निषेध। शब्द गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। 4 ना, अर्थ अभाव। शब्द नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। 5 उपसर्ग ब, अर्थ और अनुसार। शब्द बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। 6 उपसर्ग बा, अर्थ सहित। शब्द बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बमौका। 7 उपसर्ग बद, अर्थ बुरा। शब्द बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। 8 उपसर्ग बे, अर्थ बिना। शब्द बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ।
नौ उपसर्ग बिल, अर्थ बिना, शब्द बिला वजह बिलाशक, दस ला अर्थ रहित, शब्द लापरवाह लाचार लावारिस लाजवाब। 11 उपसर्ग सर, अर्थ मुख्य, शब्द सरताज सरदार सरपंच सरकार। क्रम 12 उपसर्ग हम, अर्थ मान, शब्द हमदर्दी हमराह हम उम्र हमदम। 13 उपसर्ग हर, अर्थ प्रत्येक, शब्द हर दिन हर साल हर एक हर बार। 4 अंग्रेजी के उपसर्ग। 1 उपसर्ग सब, अर्थ अधीन और नीचे, शब्द सब जज सब कमेटी सब इंस्पेक्टर। 2 उपसर्ग डिप्टी, अर्थ सहायक, शब्द डिप्टी कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार डिप्टी मिनिस्टर। 3 उपसर्ग वाइस, अर्थ सहायक, शब्द वाइसराय वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट। क्रम 4 उपसर्ग जनरल, अर्थ प्रधान, शब्द जनरल मैनेजर जनरल सेक्रेटरी। क्रम 5 उपसर्ग चीफ, अर्थ प्रमुख, शब्द चीफ मिनिस्टर चीफ इंजीनियर चीफ सेक्रेटरी। क्रम 6 उपसर्ग हेड, अर्थ मुख्य, शब्द हेडमास्टर हेड क्लर्क। पृष्ठ 48 उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अपव्यय। 1 उपसर्ग अधः और अधो, अर्थ नीचे, शब्द अधः पतन अधोगति अधोमुखी अधोलिखित। 2 उपसर्ग अंतः और अंतर, अर्थ भीतरी, शब्द अंतःकरण अंतःपुर अंतर्मन अंतर्देशीय। क्रम 3 उपसर्ग अ, अर्थ अभाव, शब्द अशोक अकाल अनादि। 4 उपसर्ग चिर, अर्थ बहुत देर, शब्द चिरंजीवी चिरकुमार चिरकाल चिरायु। 5 उपसर्ग पुनर, अर्थ फिर, शब्द पुनर्जन्म पुनर्लेखन पुनर्जीवन। 6 उपसर्ग बहिर, अर्थ बाहर, शब्द बहिर्गमन बहिष्कार। क्रम 7 उपसर्ग सत, अर्थ सच्चा, शब्द सज्जन सत्कर्म सदाचार सत्कार्य। क्रम 8 उपसर्ग पुरा, अर्थ पुरातन, शब्द पुरातत्व पुरावृत्त। 9 उपसर्ग सम, अर्थ समान, शब्द समकालीन समदर्शी समकोण समकालिक। क्रम 10 उपसर्ग सह, अर्थ साथ, शब्द सहकार सहपाठी सहयोगी सहचर। प्रत्यय सफिक्सेस। प्रत्यय बराबर प्रति यानी साथ में पर बाद में, धन आय यानी चलने वाला, शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश अशब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु बराबर दया, शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दो तद्वित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु यानी रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत यानी कृत धन अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेख धन अक बराबर लेखक, यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। वो प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्वित प्रत्यय से बने शब्द तद्वितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ धन आनी सेठानी, यहाँ आनी तद्वित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्वितांत शब्द है। एक कृत प्रत्यय प्राइमरी सफिक्सेस। एक अक प्रत्यय मूल शब्द या धातु, लेख पाठ कृ गए, उदाहरण लेखक पाठक कारक गायक। क्रम 2 प्रत्यय अन मूल शब्द या धातु, पाल सह ने चर, उदाहरण पालन सहन नयन चरण। 3 प्रत्यय अना मूल शब्द घट तुल वंद विद, उदाहरण घटना तुलना वंदना वेदना। 4
प्रत्यय अनिय मूल शब्द या धातु मान रम द्वश पूज श्रु उदाहरण माननीय रमणीय दर्शनीय पूजनीय श्रवणीय। पांच प्रत्यय आ मूल शब्द या धातु सुख भूल जाग पूज ईश भिक्ष उदाहरण सूखा भूला जागा पूजा इच्छा भिक्षा। छह प्रत्यय आई मूल शब्द लड़ सिल पढ़ चढ़ उदाहरण लड़ाई सिलाई पढ़ाई चढ़ाई। सात प्रत्यय आन मूल शब्द उड़ मिल दौड़ उदाहरण उड़ान मिलान दौड़ान। आठ ई मूल शब्द हर गिर दशरथ माला उदाहरण हरि गिरी दशरथी माली। नौ प्रत्यय इया मूल शब्द छल जड़ बढ़ घट उदाहरण छलिया जड़िया बढ़िया घटिया। दस प्रत्यय इत मूल शब्द पठ व्यथा फल पुष्प उदाहरण पठित व्यथित फलित पुष्पित। ग्यारह इत्र मूल शब्द चर पौ खन उदाहरण चरित्र पवित्र खनित्र। बारह इयल मूल शब्द अड़ मर सड़ उदाहरण अड़ियल मरियल सड़ियल। तेरह ई बड़ी ई मूल शब्द हंस बोल त्वज रेत उदाहरण हंसी बोली त्यागी रेती। चौदह प्रत्यय उक मूल शब्द इच्छ और भिक्ष उदाहरण इच्छुक और भिक्षुक। पंद्रह तव्य मूल शब्द क्री वच उदाहरण कर्तव्य वक्तव्य। सोलह प्रत्यय ता मूल शब्द आ जा बह मर और गा उदाहरण आता जाता बहता मरता गाता। सत्रह प्रत्यय ती मूल शब्द अ प्री शक भज उदाहरण अति प्रीति शक्ति भक्ति। अठारह प्रत्यय ते मूल शब्द जा ख उदाहरण जाते खाते। उन्नीस त्र मूल शब्द अन्य सर्व अस उदाहरण अन्यत्र सर्वत्र अस्त्र। बीस प्रत्यय न मूल शब्द क्रंद वंद मंद खिद बेल ले उदाहरण क्रंदन वंदन मंदन खिन बेलन लेन। इक्कीस ना मूल शब्द और धातु पढ़ लिख बेल गा उदाहरण पढ़ना लिखना बेलना गाना। बाईस प्रत्यय म मूल शब्द दा धा उदाहरण दाम और धाम। तेईस य मूल शब्द गद पद क्री पंडित पश्चात दंत ओष्ठ उदाहरण पाश्चात्य दंतीय ओष्ठीय। चौबीस य मूल शब्द या धातु मृग और विद उदाहरण मृगया विद्या। पच्चीस प्रत्यय रु मूल शब्द गे उदाहरण गेरु। छब्बीस प्रत्यय वाला मूल शब्द देना आना पढ़ना उदाहरण देने वाला आने वाला पढ़ने वाला। सत्ताईस ऐया या वैया मूल शब्द रख बच डांट गा खा उदाहरण रखैया बचैया डटैया गवैया खवैया। अट्ठाईस हार हाँ होना रखना खेवना उदाहरण होनहार रखनहार खेवनहार। पृष्ठ उनचास दो तद्वित प्रत्यय नॉमिनल सफिक्सेस। एक प्रत्यय आई शब्द पछताना जगना उदाहरण पछताई जगाई। दो प्रत्यय आइन शब्द पंडित ठाकुर उदाहरण पंडिताइन ठकुराइन। तीन आई शब्द पंडित ठाकुर लड़ चतुर चौड़ा उदाहरण पंडिताई ठकुराई लड़ाई चतुराई चौड़ाई। चार आनी शब्द सेठ नौकर मथ
उदाहरण सेठानी, नौकरानी, मथानी। पांच, प्रत्यय आयत, शब्द बहुत, पंच, अपना। उदाहरण बहुतायत, पंचायत, अपनायत। छह, प्रत्यय आर या आरा, शब्द लोहा, सोना, दूध, गांव। उदाहरण लोहार, सुनार, दुदार, गवार। सात, प्रत्यय आहट, शब्द चिकना, घबरा, चिल, कड़वा। उदाहरण चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। आठ, इल, शब्द फैन, कूट, तंद्रा, जटा, पंख, स्वप्न, धूम। उदाहरण फेनिल, कुटिल, तंद्रिल, जटिल, पंकिल, स्वप्निल, धूमिल। नौ, प्रत्यय ईष्ट, शब्द कन, वर, गुरु, बल। उदाहरण कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ। दस, प्रत्यय ई, शब्द सुंदर, बोल, पक्ष, खेत, ढोलक, तेल, देहात। उदाहरण सुंदरी, बोली, पक्षी, खेती, ढोलकी, तेली, देहाती। ग्यारह, प्रत्यय ईन, शब्द ग्राम, कुल। उदाहरण ग्रामीण और कुलीन। बारह, प्रत्यय ईय, शब्द भवत, भारत, पाणिनी, राष्ट्र। उदाहरण भवदीय, भारतीय, पाणिनीय, राष्ट्रीय। तेरह, ए, शब्द बच्चा, लेखा, लड़का। उदाहरण बच्चे, लेखे, लड़के। चौदह, ए, शब्द अतिथि, अत्रि, कुंती, पुरुष, राधा। उदाहरण आतिथ्य, आत्रिय, कौन्तेय, पौरुषीय, राध्य। पंद्रह, एल, शब्द फुल, नाक। उदाहरण फुलेल, नकेल। सोलह, एत, शब्द डाका, लाठी। उदाहरण डकैत, लठैत। सत्रह, एरा और एरा, शब्द अंध, सांप, बहुत, मामा, कांसा, लूट। उदाहरण अंधेरा, सपेरा, बहुतेरा, ममेरा, कसेरा, लुटेरा। अठारह, ओला, शब्द खाट, पाट, सांप। उदाहरण खटोला, पटोला, सपोला। उन्नीस, औति, शब्द बाप, ठाकुर, मान। उदाहरण बपौती, ठकरौती, मनौती। बीस, ओटा, बिल्ला, काजर। उदाहरण बिलौटा, कजरौटा। इक्कीस, क, शब्द धम, चम, बैठ, बाल, दर्श, ढोल। उदाहरण धमक, चमक, बैठक, बालक, दर्शक, ढोलक। बाईस, कर, शब्द विशेष और खास। उदाहरण विशेषकर, खासकर। तेईस, प्रत्यय का, शब्द खट, झट। उदाहरण खटका, झटका। चौबीस, प्रत्यय जा, शब्द भ्राता, दो। उदाहरण भतीजा, दूजा। पच्चीस, प्रत्यय डा और ड़ी, शब्द चाम, बाछा, पंख, टांग। उदाहरण चमड़ा, बछड़ा, पंखड़ी, टंगड़ी। छब्बीस, त, शब्द रंग, संग, खप। उदाहरण रंगत, संगत, खपत। सत्ताईस, प्रत्यय तन, शब्द अद्य। उदाहरण अद्यतन। अट्ठाईस, प्रत्यय तर, शब्द गुरु, श्रेष्ठ। उदाहरण गुरुतर, श्रेष्ठतर। उन्तीस, तह, शब्द अंश, स्व। उदाहरण अंशतः, स्वतः। तीस, प्रत्यय ती, शब्द कम, बढ़, चढ़। उदाहरण कमती, बढ़ती, चढ़ती। इकतीस, प्रत्यय धा, शब्द अनेक, बहु, शत। उदाहरण अनेकधा, बहुधा, शतधा। बत्तीस, प्रत्यय पन, शब्द लड़का, बच्चा, काला, धीमा। उदाहरण कालापन, लड़कपन, बचपन, धीमापन। तैतीस, पा, शब्द बूढ़ा, मोटा। उदाहरण बुढ़ापा, मोटापा। चौतीस, मात्र, शब्द लेश और रंच। उदाहरण लेश मात्र और रंच मात्र। पैतीस, य, शब्द ग्राम, पंडित, मधुर, दिति, मुनि। उदाहरण ग्राम्य, पांडित्य, माधुर्य, दैत्य और मौन। छत्तीस, ल, शब्द शीत, श्याम, वत्स, मास। उदाहरण
शीतल श्यामल वत्सल मासल। 37 लू शब्द दया कृपा निंद्रा तंद्रा, उदाहरण दयालु कृपालु निद्रालु तंद्रालु। 38 व शब्द रघु लघु, उदाहरण राघव लाघव। 39 वत शब्द मात्र पुत्र यत, उदाहरण मातृव्रत पुत्रव्रत यावत। 40 वान शब्द धन गुण, उदाहरण धनवान गुणवान। 41 वॉल शब्द पाली ब्रिज, उदाहरण पालीवाल ब्रिजवाल। 42 वा शब्द पांच आठ, उदाहरण पांचवा आठवा। 43 वी शब्द तपस मेधा माया लखनऊ, उदाहरण तपस्वी मेधावी मायावी लखनवी। 44 शह शब्द क्रम अक्षर, उदाहरण क्रमशः अक्षरंशः। 45 स शब्द वय सर धम, उदाहरण वयस सरस घमस। 46 सा शब्द ए वय मरा, उदाहरण ऐसा वैसा मरा सा। 47 प्रत्यय सरा शब्द दो तीन, उदाहरण दूसरा तीसरा। 48 सौ शब्द पर और तर, उदाहरण परसो तरसो। 49 हरा शब्द सोना दो, उदाहरण सुनहरा दोहरा। 50 हारा शब्द पानी लकड़ी, उदाहरण पनिहारा लकड़हारा। प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण कृत व तद्वित को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे एरा लूट धन एरा, कृत प्रत्यय बराबर लुटेरा। चाचा धन एरा, तद्वित प्रत्यय बराबर चचेरा। आई पढ़ धन आई, कृत प्रत्यय पढ़ाई। भला धन आई, तद्वित प्रत्यय भलाई। नी कतर धन नी, कृत प्रत्यय कतरनी। ऊंट धन नी, तद्वित प्रति ऊंटनी। ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं। पृष्ठ 50। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। ए तत्सम प्रत्यय, बी तद्भव प्रत्यय, सी देशज प्रत्यय, डी विदेशज प्रत्यय। ए तत्सम प्रत्यय। एक प्रत्यय आ बोधक या अर्थ। स्त्री प्रत्यय भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, उदाहरण आदरणीय प्रिया माननीय सुता इच्छा पूजा। दो प्रत्यय आनी बोधक या अर्थ। स्त्री प्रत्यय, उदाहरण देवरानी भवानी मेहतरानी। तीन प्रत्यय आलू बोधक या अर्थ। विशेषण प्रत्यय वाला, उदाहरण कृपालु दयालु निद्रालु श्रद्धालु। चार इत विशेषण प्रत्यय युक्त, उदाहरण पल्लवित पुष्पित फलित हर्षित। पांच इमा बोधक भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, उदाहरण गरिमा नीलिमा मधुरिमा महिमा। छह इक बोधक विशेषण व संज्ञा प्रत्यय, उदाहरण दैनिक वैज्ञानिक वैदिक लौकिक। सात क स्वार्थी या समूह, उदाहरण घटक ठंडक शतक सप्तक। आठ कार लिखने या बनाने वाला, पत्रकार जानकार। नौ ज जन्मा हुआ, उदाहरण अंडज जलज पंकज पिंडज देशज विदेशज। दस जीवी जीने वाला, उदाहरण परजीवी बुद्धिजीवी लघुजीवी दीर्घजीवी। ग्यारह ज्ञा बोधक जानने वाला, उदाहरण अज्ञ मर्मज्ञ विज्ञ सर्वज्ञ। बारह तह क्रिया विशेषण प्रत्यय, उदाहरण अंशतः
वस्तुतः स्वतः समानतः। 13 तया क्रिया विशेषण प्रत्यय उदाहरण अंशतः वस्तुतः स्वतः समानतः। 13 तया क्रिया विशेषण प्रत्यय उदाहरण मुख्यतया विशेषतया समानतया श्रेष्ठतर। 14 तर बोधक तुलना बोधक प्रत्यय उदाहरण उच्चतर निम्नतर सुंदरतर। 15 तम स्वाधिकता बोधक प्रत्यय उदाहरण उच्चतर निकृष्टतम महत्तम लघुतम। 16 ता बोधक भाववाचक संज्ञा प्रत्यय उदाहरण नवीनता मधुरता सुंदरता। 17 त्वा भाववाचक संज्ञा प्रत्यय उदाहरण कृतत्व ममत्व महत्व सतित्व। 18 मान विशेषणवाचक प्रत्यय उदाहरण विद्यमान सेव्यमान बुद्धिमान। 19 वान बोधक वाला उदाहरण गुणवान धनवान बलवान रूपवान। बी तद्भव प्रत्यय एक प्रत्यय अंगड़ बोधक या अर्थ वाला उदाहरण बतंगड़। 2 अंतु बोधक वाला उदाहरण रटंतु घुमंतु। 3 अत बोधक संज्ञा प्रत्यय उदाहरण खपत पढ़त रंगत लिखत। 4 आंध बोधक संज्ञा प्रत्यय उदाहरण विषांत सड़ांध अच्छा घोड़ा बड़ा लड़का। 6 आई बोधक भाववाचक प्रत्यय उदाहरण कठिनाई बुराई सफाई। 7 आऊ बोधक वाला उदाहरण खाऊ टिकाऊ पंडिताऊ बिकाऊ। 8 आप या आपा बोधक भाववाचक प्रत्यय उदाहरण मिलाप अपनापा पुजापा बुढ़ापा रंडापा। 9 आर या आरा या आरी बोधक करने वाला उदाहरण कुम्हार लोहार चमार घसियारा पुजारी भिकारी। 10 आलू बोधक या अर्थ करने वाला उदाहरण झगड़ालू दयालु। 11 आवट बोधक या अर्थ भाववाचक प्रत्यय उदाहरण कसावट बनावट बिनावट लिखावट सजावट। 12 आस बोधक इच्छावाचक प्रत्यय उदाहरण छपास व्यास लिखास निकास। 13 आहट या आहट बोधक भाववाचक प्रत्यय उदाहरण गड़गड़ाहट घबराहट चिल्लाहट भलमन साहट। 14 इन बोधक स्त्री प्रत्यय उदाहरण जुलाहिन ठकुराइन तेलिन पुजारन। 15 इया बोधक वाला लघुत्व बोधक स्त्री प्रत्यय उदाहरण कनौजिया पर्वतिया भोजपुरिया चुटिया चुहिया डिबिया। 16 ई बोधक वाला स्त्री प्रत्यय उदाहरण घमंडी लालची ऊनी सूती घोड़ी लड़की नानी चाची। 17 ईला बोधक यार्थ वाला उदाहरण चमकीला पथरीला शर्मीला हटीला। 18 एरा बोधक या अर्थ वाला उदाहरण कंसेरा चचेरा फुफेरा बहुतेरा ममेरा लुटेरा। 19 औड़ा या औड़ी इसका बोधक शब्द कोई नहीं दिया हुआ है उदाहरण पकौड़ा मुंगौड़ा सेवड़ा रेवड़ी। 20 प्रत्यय जा बोधक जन्मा हुआ उदाहरण भतीजा भांजा आत्मजा। पृष्ठ 51 किस ड और र उदाहरण चमड़ा चमड़ी बछड़ा लंगड़ा लोथड़ा। 22 त उदाहरण आता खाता जाता सोता। 23 पन भाववाचक प्रत्यय उदाहरण छुटपन बचपन बढ़पन पागलपन। 24 ल उदाहरण अगल धुंधला निचला पिछला। 25 वाला उदाहरण अपने वाला ऊपर वाला खाने वाला जाने वाला तांगे वाला लाला वाला। सी देशज प्रत्यय एक अक्कड़ बोधक वाला उदाहरण घुमक्कड़ पियक्कड़ भुलक्कड़। 2 अड़ उदाहरण अंधड़ भुक्कड़। 3 आंख
उदाहरण चटाक, धड़ाक, धड़ाका, धमाका, फटाक। चार आटा, उदाहरण खर्राटा, फराटा। पांच ईयल, बोधक, वाला, उदाहरण अड़ियल, दढ़ियल, सड़ियल। डी विदेशज या विदेशी प्रत्यय। एक अरबी फारसी प्रत्यय। एक आ बोधक भाववाचक, उदाहरण सफेदा, खराबा। दो आना बोधक भाववाचक विशेषण वाचक, उदाहरण जुर्माना, दस्ताना, मर्दाना, मस्ताना, जनाना। तीन आनी बोधक संबद्धवाचक, उदाहरण जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी। चार इयत बोधक भाववाचक, उदाहरण अंग्रेजियत, असलियत, आदमियत, इंसानियत, खैरियत। पांच कार बोधक करने वाला, उदाहरण काश्तकार, दस्तकार, सलाहकार, पेशकार। छह खोर बोधक खाने वाला, उदाहरण गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर। सात गर या गरी या गिरी बोधक करने वाला, उदाहरण कारीगर, कीमियागर, बाजीगर, जादूगरी, कुलीगिरी, बाबूगिरी। आठ गार बोधक करने वाला, उदाहरण परहेजगार, मददगार, यादगार, रोजगार। नौ गाह बोधक स्थानवाचक, उदाहरण ईदगाह, चरागाह, बंदरगाह। दस गी बोधक भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, उदाहरण गंदगी, जिंदगी, बंदगी। ग्यारह चा या ची बोधक वाला, उदाहरण देगचा, बगीचा, इलायची, डोलची, संदूकची, बाबरची। बारह जाद जादा, जादी बोधक जन्मा, उदाहरण आदम जाद, हराम जादा, शहजादा, शहजादी। तेरह दा बोधक जानने वाला, उदाहरण उदूर्ददा, कद्रदा, कानूनदा। चौदह दान या दानी बोधक स्थितिवाचक या आधार, उदाहरण ईत्रदान, कलमदान, पीकदान, गोददानी, चायदानी। पंद्रह दार बोधक या अर्थ वाला, उदाहरण ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार, फौजदार। सोलह नाक बोधक वाला, उदाहरण खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। सत्रह बाज या बाजी बोधक वाला, उदाहरण चालबाज, धोखेबाज, मुकदमेबाज, चालबाजी, धोखेबाजी, मुकदमेबाजी। अठारह बान बोधक या अर्थ वाला, उदाहरण दरबान, बागवान, मेजबान। उन्नीस मंद बोधक वाला, उदाहरण अकलमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद। बीस साज बोधक या अर्थ वाला, उदाहरण घड़ी, साज। दो अंग्रेजी प्रत्यय। एक इज्म बोधक या अर्थ, वाद या मत, उदाहरण कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। दो ईस्ट बोधक या अर्थ, वादी या व्यक्ति, उदाहरण कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट। प्रश्न 52 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक उपसर्ग का प्रयोग होता है, एक शब्द के आदि या आरंभ में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर एक शब्द के आदि या आरंभ में। दो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। उत्तर डी प्रत्यय। तीन प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, ए प्र, बी त, सी प्रख, डी आत। उत्तर प्र। चार प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ए प्रत्यय, बी प्रति, सी प्रत्यु, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी प्रति। पांच गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ए उप, बी आ, सी प्रति, डी अनु। उत्तर डी अनु। छह निर्वासित में प्रत्यय है, ए इक, बी नि, सी सित, डी इत। उत्तर डी इत। सात लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ए क, बी इक, सी आक, डी अक। उत्तर सी आक। आठ अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ए इक, बी इय, सी आ, डी ई। उत्तर बी इय। नौ सुत्त शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ए ई, बी आ, सी इय, डी इक। उत्तर सी इय। दस सप्रश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ए नी, बी अनु, सी अ, डी कु। उत्तर डी कु।
क्या रहा? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए प्र, बी परा, सी परी, डी प्रति। उत्तर डी प्रति। 12, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ए दुर, बी अति, सी निर, डी अन। उत्तर बी अति। 13, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ए रंगीला, बी बिकाऊ, सी दुधारू, डी कृपालू। उत्तर बी बिकाऊ। 14, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ए दिखावा, बी चढ़ावा, सी लावा, डी भुलावा। उत्तर सी लावा। 15, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ए लोग, बी गढ़, सी वर्ग, डी प्रेस। उत्तर डी प्रेस। 16, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ए आ, बी आ, सी अप, डी परी। उत्तर ए अ। 17, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए विकल, बी अलग, सी पुलक, डी धनिक। उत्तर डी धनिक। 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ए सागर, बी नगर, सी अगर मगर, डी जादूगर। उत्तर डी जादूगर। 19, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपकार, बी लाभदायक, सी बढ़ाई, डी अपनापन। उत्तर ए उपकार। 20, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए आ, बी अनु, सी अव, डी अनु। उत्तर डी अनु। 21, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए नी, बी निह, सी निर, डी निरी। उत्तर डी निरी। 22, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ए 28, बी 30, सी 40, डी 50। उत्तर सी 40। 23, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। उत्तर ए संज्ञा। 24, निम्नलिखित में पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ए दैविक, बी सामाजिक, सी भौमिक, डी पक्षिक। उत्तर डी पक्षिक। पृष्ठ 53। 25, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ए अभियोग, बी व्यायाम, सी अपमान, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। 26, बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए बे, बी इन, सी बे, डी बे इन। उत्तर ए बे। 27, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं? ए सुयोग, बी विदेश, सी अत्यधिक, डी सुरेश। उत्तर डी सुरेश। 28, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए बह, बी हाव, सी आव, डी आवा। उत्तर सी आव। 29, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए विज्ञ, बी ज्ञान, सी वी, डी अन। उत्तर सी वी। 30, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए ची, बी चिर, सी यू, डी आयु। उत्तर बी चिर। 31, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए धुन, बी धुंध, सी ला, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी ला। 32, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ए हर्ता, बी हर, सी हत, डी हारी। उत्तर ए हर्ता। 33, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव, डी ओढ़ना। उत्तर डी ओढ़ना। 34, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी सन, सी सम्स, डी सन्स। उत्तर ए सम। 35, पुरोहित में उपसर्ग है? ए पुरुष, बी पुरह, सी पुरा, डी पुर। उत्तर बी पुरह। 36, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए नत, बी अ, सी अव, डी अवन। उत्तर सी अव। 37, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए ई, बी ई, सी धानी, डी आनी। उत्तर ए ई। 38, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए इष्ट, बी इष्ट, सी ष्ट, डी अष्ट। उत्तर ए इष्ट। प्रत्यय समाप्त होता है। पृष्ठ 54।